माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अगली बार फिर से वो झंडा फहराएंगे, ये बात जो है लाल किला से बोल रहे हैं। और बिना चुनाव हुए पहले से ही एडवांस में जो मतदाता हैं उनका वो अपमान कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम अगली बार यहाँ से झंडा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोग रहते हैं तो उनको सुशासन दिखाई देती है और सुशासन का संज्ञा देते हुए नहीं थकते हैं, और आज उनको जंगल राज याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको पता है कि हम लोग अब लौट के नहीं आने वाले हैं, और उसके बावजूद भी चूँकि रविशंकर प्रसाद जी को तो इस बार मौका मिला नहीं, पूरी तरह बेरोजगार हैं। जो हमारा गठबंधन है इंडिया, उसके माध्यम से हम लोग जरूर भाजपा मुक्त देश को करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो चुकी है, इसके अलावा कई नेताओं से उनके मिलने का प्रोग्राम है, और इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है कि कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी के सत्ता को चित करना है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, बाहर करना है। उन तमाम चर्चाओं के बीच में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 24 में इनका सफाया हो जाना पक्का है। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं, ये सब फर्जी बात है। जरा सुनिए मदन सहनी क्या कुछ बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है, और उनसे जो लगाव है वो जग जाहिर है, और इसलिए उनसे विशेष लगाव के कारण वहाँ गए हैं। और वहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे भी उनका मुलाकात होगा। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारे नेताओं से भी भेंट होगी, बातचीत होगी, और चूँकि मुंबई में बैठक निर्धारित है तो उसकी तैयारी के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास सफल भी होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अगली बार फिर से वो झंडा फहराएंगे, ये बात जो है लाल किला से बोल रहे हैं। तो उनको देश के जनता के या मतदाता मालिक का भी ख्याल नहीं है, बिना मत मांगे, बिना मत लिए और बिना चुनाव हुए पहले से ही एडवांस में जो मतदाता हैं उनका वो अपमान कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम अगली बार यहाँ से झंडा फहराएंगे। बिना चुनाव हुए और बिना मतदाता से किसी तरह का अपील किए हुए, ये तो सरासर लोकतंत्र का जो है मजाक है, और लोकतंत्र का संविधान का उनके द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना दुखद है, लेकिन यह भी तय है कि जो अपराधी है वो चिन्हित हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी, और जिसने भी यह घटना को अंजाम दिया है वो जेल जाएंगे और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई उन पर होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही आप नहीं कीजिए, वो क्या कर रहे हैं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोग रहते हैं तो उनको सुशासन दिखाई देती है और सुशासन का संज्ञा देते हुए नहीं थकते हैं, और आज उनको जंगल राज याद आ रहा है। निश्चित रूप से बिहार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहा है और विकास किया है, आगे भी विकास करेगा और सुरक्षित रहेगा। वो लोग हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर गए हैं। पहले बताया गया था कि उनको भी जो है बॉडी गार्ड दिया जाएगा, लेकिन अभी तक देखिए एक बात जान लीजिए, हड़ताल पर जाने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, और अपनी मांग के लिए लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की सवाल है तो सुरक्षा के प्रति सरकार हमारी पूरी जवाबदेही लेती है और उसका पूरा इंतजाम भी करती है, इसलिए किन्हीं को कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सुरक्षा प्रदान करने का, तो इसके दिशा में कार्रवाई चल रही है।
नीतीश कुमार जो दिल्ली गैंग को लेकर बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद और कई नेता कह रहे हैं कि बारात सजाने गए हैं, लेकिन दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं उनके पास, इसमें उनको क्यों इतना जो है चिंता हो रहा है? और उनके चिंता जो सबसे बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको देखने से नहीं लगता है कि आपको वो खुद परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अगली बार नहीं आएंगे, ये वह भी जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको पता है कि हम लोग अब लौट के नहीं आने वाले हैं, और उसके बावजूद भी चूँकि रविशंकर प्रसाद जी को तो इस बार मौका मिला नहीं, पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो अपना छवि बनाने के लिए पार्टी में वो इस तरह का बयान देते हैं। और सभी लोग तो मुकाबला माननीय मुख्यमंत्री जी से ही करके वहाँ पहचान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है अंदर से, और जो हमारा नया गठबंधन है वह निश्चित रूप से 2024 में सफलता हासिल करेगा। शिक्षक को बोला जा रहा है कि बोरा बेचने के लिए, ये क्या ये कहाँ आपको कहा गया है कि बोरा बेचने के लिए, कहाँ से ये सब तरह का न्यूज ले आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, नीतीश कुमार का जिस तरीके से बिहार में जो प्रशासन की बात की जाती है, क्या उस आधार पे पूरे देश में सुधार मार्ग को लेकर के संयोजक बनाए जाने की कितनी बड़ी संभावना है? देखिए, इन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि हम संयोजक बनेंगे या हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया और उसमें ये पूरी तरह से सफल हैं और आगे भी सफलता हासिल करेंगे। जो हमारा गठबंधन है इंडिया, उसके माध्यम से हम लोग जरूर भाजपा मुक्त देश को करेंगे। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा राजनीतिक करियर देखा जाए, एक बार में एक आदमी कांग्रेस के विधायक के प्रति ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है प्रथम, और दूसरा कोई होगा व्यक्तिगत इशू भी हो सकता है, इसलिए ये बात का हम लोग जवाब नहीं दे सकते। तो अभी आपने बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी को सुना है, किस तरीके से वो भाजपा पर बोल रहे थे, किस तरीके से बिहार सरकार की तारीफ कर रहे थे, किस तरीके से सुशासन की बातों को बोल रहे थे, और भाजपा के द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे थे। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सचमुच में सुशासन की सरकार अब बिहार में नहीं है? हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।